बलवा एवं हत्या के प्रकरण में सिरगिट्टी पुलिस ने फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिरगिट्टी पुलिस ने तीन आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था, परंतु तीन अन्य आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री दीपक कुमार झा द्वारा सिरगिट्टी पुलिस व तकनीकी शाखा की तीन संयुक्त टीम बनाकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी का निर्देश दिया। उक्त टीम का सतत मार्गदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदया कोतवाली श्रीमती स्नेहिल साहू द्वारा मार्गदर्शन कर रहे थे। आरोपी गण घटना कारित करने पश्चात तेलंगाना होते हुए पुणे भाग गए थे, जो पहचान छिपाने और अपने खर्च को पूरा करने के उद्देश्य से पुणे में कामसेत नामक स्थान पर एक गुलाब गार्डन में मजदूरी करने लगे थे, जहां पुलिस की 5 सदस्यीय टीम ने घेराबंदी कर फरार तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ पर ये लोग बताए कि घटना दिनांक को सामान्य वाद विवाद बड़े झगड़े में तब्दील हो गया था और ये लोग लाठी डंडे से हमला किए बाद में भीड़ होने पर मौके से फरार हो गए थे। गिरफ्तार किया है, कब की घटना है, कितने आरोपी गिरफ्तार करके आपने? सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 30 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन एक घटना हुई थी कोरमी गांव के पास, कि कुछ लोग जो है डीजे बजा रहे थे और जन्माष्टमी उत्सव मना रहे थे, उसमें दो पक्षों में विवाद हुआ और एक युवक की जो है मारपीट में उसको चोट आई थी, जो पुलिस ने 147, 48 और 307 के तहत FIR दर्ज कर लिया था, जिसमें बाद में जो घायल था वो रायपुर रिफ़र हुआ और उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर से उसमें धारा 302 जोड़ी गई थी। इसमें तीन आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी और मुख्य आरोपी एवं दो अन्य आरोपी जो हैं वो लगातार फरार चल रहे थे, जिनको पुलिस ने जो है लगातार पतासाजी की और एक टीम बनाकर काम किया गया। टीम ने जो है इनको पुणे से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये वहाँ पर अपनी पहचान छुपाकर एक गुलाब गार्डन में काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, और ये लगातार जो है अपने आप को छिपा करके भाग रहे थे। पहले हैदराबाद गए थे उससे पहले, फिर ये पुणे पहुँचे थे। इसमें तीनों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली और इनको जो है आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, जो CCTV फुटेज था, आधार कार्ड और कार्रवाई की, उन्हीं आरोपी थे कि और भी आगे भी जुड़ने के लिए? तीन आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए गए हैं और तीन अभी ये गिरफ्तार किए गए हैं, और अगर जांच में विवेचना में किसी का नाम आता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।